मन एक सुंदर सेवक और एक खतरनाक स्वामी है। साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप न करने दें। केवल हंसी ही आदमी को अमीर बनाती है, लेकिन हंसी को आनंदमय बनाना पड़ता है। प्रेमी कभी एक दूसरे के आगे समर्पण नहीं करते, प्रेमी बस प्रेम के आगे समर्पण कर देते हैं। किसी चीज की इच्छा करने से पहले सोचें, इस बात की पूरी संभावना है कि यह पूरी होगी और फिर आपको दुख होगा। सत्य कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे खोजा जाना है, यह अंदर की चीज है जिसे महसूस किया जाना है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो भय पैदा करती है, तो दो विकल्प होते हैं, या तो आप लड़ते हैं या आप भाग जाते हैं। हमारे सभी लगाव बाहरी हैं और इसलिए यह भ्रम है। अकेले रहना खूबसूरत है, प्यार में रहना, लोगों के साथ रहना भी खूबसूरत है, और वे पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। यदि आप स्वार्थी नहीं हैं तो आप परोपकारी नहीं होंगे, याद रखें। तनाव का मतलब है कि आप कुछ बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। प्यार सच्चा ईश्वर है, धर्म शास्त्रियों का ईश्वर नहीं, बल्कि बुद्धि का ईश्वर, जीजस, मोहम्मद, सूफियों का ईश्वर। भगवान से बढ़कर कोई अकेला नहीं है। सेक्स से भी साक्षी बने, इसके नियंत्रक मत बने, इसे जबरन काबू में करने की कोशिश न करें, इसके भी साक्षी बने रहें। जैसे तुम हर चीज के साक्षी हो, वैसे ही काम वासना के भी साक्षी बने रहो। अपने दिमाग में जाओ, अपने दिमाग का विश्लेषण करो, कहीं ना कहीं तुमने खुद को बरगलाया है। एक व्यक्ति जितना अधिक कामुक होता है उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। एक सम्मानित व्यक्ति हमेशा भीतर से सम्मानजनक नहीं होता। प्यार एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक है, अहंकार मनोवैज्ञानिक है, प्रेम आध्यात्मिक है। जब बाहर कोई आपकी आंतरिक छवि के साथ फिट बैठता है तो आप प्यार में पड़ जाते हैं, यही प्यार का अर्थ है। एक महिला को देवी के रूप में प्यार करें, फिर प्यार पूजा बन जाता है। प्यार में दूसरा महत्वपूर्ण है, वासना में तुम महत्वपूर्ण हो। जीवन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, जीवन अर्थ बनाने का एक अवसर है। दोस्तों, अगर ये सारे कोर्स आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कोर्स आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।